और उसको डिफिब्रिलेट करते हैं तो बचने के चांसेस कितने हैं? 90% सेल आउट नहीं। अगर हम 2 मिनट के अंदर देते हैं CPR या डिफिब्रिलेशन तो बचने के चांसेस कितने हैं? 80% 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर 60%। सपोज करिए उसको लाने में विक्टिम, यहाँ पे हम पेशेंट वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? विक्टिम। विक्टिम और पेशेंट में क्या डिफरेंस है? पेशेंट तो वो होता है जिसको एक डायग्नोज एक बीमारी हो, डायग्नोज हो रखा हो, शुगर है, बीपी है, लेकिन विक्टिम कौन होता है? पीड़ित। इट कैन बी एनिमल, कोई भी, जैसे रोड पे कोई जा रहा है उसको एक्सीडेंट हो गया तो वो विक्टिम हो गया ना। अगर रोड पे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कौन सा कार्डियक अरेस्ट हो गया? OHCA, outside hospital cardiac arrest. अब suppose करिए उसको 10 मिनट लग गए अंधी यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल में लाने में, PGI में कितना मिनट लग गया? 10 मिनट। अब देखिए उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितना है? 10 मिनट में देखिए, 9 मिनट में है 10%, 0%। That's what is happening in India. India के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर जो अगर हम बात करें आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की, तो वो जो है वहाँ पे रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा कार्डियक अरेस्ट। क्या नहीं हो पा रहा? रिकग्नाइज। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या है? रिकग्निशन। क्या इम्पोर्टेंट है? रिकग्नाइज। भाई सबसे पहले हम रिकग्नाइज तो करें इसको कार्डियक अरेस्ट है, और रिकग्नाइज कैसे होगा कार्डियक अरेस्ट? यस, एनीवन कैन समराइज कैसे रिकग्नाइज होगा कार्डियक अरेस्ट है? वेरी गुड, पल्स, वन पल्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पल्स less. Second, very good, unconsciousness, 1, 2, ठीक है, ये CA का criteria है, cardiac arrest का, one is pulseless, another one is unconscious, third one is unresponsive, very good, excellent, unresponsive, तो अगर ये 3 criteria आपको किसी के अंदर मिलते हैं, definitely you diagnose that patient as or you clear that you can say the gentleman or gentle lady is in cardiac arrest.